गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंशु खत्री फ्रॉम सेंट जेवियर्स हरदोई। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर ऑफ हिंदी ऑफ क्लास थर्ड। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। आवर टुडेज टॉपिक इज नन्हा पौधा। इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक छोटा सा पौधा एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है और हम सबके लिए कितना लाभदायक होता है। इस पार्ट में हमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार सूर्य, हवा, मिट्टी, वर्षा आदि की सहायता से एक छोटा सा पौधा एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। इस पाठ को संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि नन्हा बीज, सूरज, वर्षा, छोटा पौधा, बड़ा पौधा, बड़ा पेड़, प्रदूषण राक्षस आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर सूरज कह रहा है, मुझे अपनी रोशनी से दुनिया को सुबह उठाने में बहुत सुख मिलता है। नन्हे मुन्ने बीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो, तुम भी इस धरती से बाहर निकलकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश दूँगा। तुम बाहर आओ और सीधे खड़े हो जाओ। तुम्हें बाहर निकालने में वर्षा भी मेरा साथ देगी। नन्हे मुन्ने बीज को धरती से बाहर निकालने के लिए, उसको नए रूप में बदलने के लिए हवा ने भी अपना साथ दिया। सूरज, वर्षा, हवा आदि की सहायता से नन्हा बीज एक पौधे का रूप ले लेता है और धरती से बाहर निकलकर दुनिया की हरियाली देखकर, चारों ओर के वातावरण को देखकर कहने लगा कि मैं भी इन सब की तरह सबको छाया और फल देना चाहता हूँ। उसने कहा, यहाँ पर हरियाली तो है, पर इस हरियाली के बीच उदासी क्यों है? तब एक दूसरे पौधे ने कहा कि यहाँ पर प्रदूषण राक्षस है जो हम सबको हानि पहुँचाना चाहता है, इस वातावरण को दूषित कर रहा है। इस राक्षस को भगाने के लिए हम सभी को पेड़ों को आपस में मिलकर अपनी डालें हिलानी होंगी, जिससे इस प्रदूषण को हम भगा सकें। अतः हमें अपनी धरती को हरा भरा बनाना होगा और जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो और हम सब खुली हवा में सांस ले सकें। इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया गया है, हमें एक बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है कि हमें अपनी प्रकृति को साफ सुथरा बनाना है। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि हम अपने वातावरण को प्रदूषण मुक्त रख सकें और जितना हो पेड़ों को काटने से बचाना है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। हमारी पहली एक्टिविटी है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बीज के अंदर था, बीज के अंदर क्या था? बीज डैश के अंदर था। बीज किसके अंदर था? जमीन। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? बीज जमीन के अंदर था। दूसरा रिक्त स्थान है, वर्षा पानी की डैश लाई। वर्षा पानी की क्या लाई? बूंदे लाई। तो दूसरे नंबर पे आएगा बूंदे। चारों ओर डैश है, चारों ओर क्या है? चारों ओर हरियाली है। प्रदूषण नहीं डैश चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। हमें पेड़ पौधों की डैश करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए? देखभाल। हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद हमारी दूसरी एक्टिविटी अर्थात गतिविधि है,
सही अर्थ से मिलान कीजिए। बच्चों, नन्हा का अर्थ क्या होता है? नन्हा का अर्थ होता है छोटा। तो हम छोटा के आगे क्या लिख देंगे? नंबर वन। उसी प्रकार दुनिया का क्या अर्थ होता है? दुनिया का अर्थ होता है संसार। रोशनी, रोशनी का अर्थ उजाला। तो उजाला के आगे हमने नंबर तीन लिख दिया। उसके बाद नंबर फोर्थ पे हमारा क्या है? मुलायम। मुलायम का क्या अर्थ होता है? कोमल। मुलायम मीन्स सॉफ्ट। अंधकार का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। उसके बाद है रखवाली। रखवाली का अर्थ देखभाल करने वाला। अब हम देखभाल करने वाला के आगे क्या लिख देंगे? नंबर छः। ये हमारा नंबर छः का है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत का अर्थ होता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं राइमिंग वर्ड्स, सेम हिंदी में होता है तुकांत शब्द। मीन्स जो शब्द के अंत में आवाज़ आती है उसी से मिलता जुलता शब्द हमें अपने पाठ से ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर उठाना का मिलता जुलता शब्द अर्थात तुकांत शब्द क्या होगा? फैलाना। वहाँ का जहाँ। धरती करती। फैलाने भगाने। काम नाम। ओके, आप सबको यह पाठ समझ में आया? तो इस प्रकार हमें अपने वातावरण को हरा भरा, प्रदूषण से रहित रखना है। धन्यवाद। थैंक यू।